देखिए ये स्क्रीन पे जो आप ये गन्ने का जो नजारा देख रहे हैं दूर दूर तक, ये शारदा नदी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। ये सामने ये शारदा नदी है जो पानी दिख रहा होगा, और जहाँ से खड़े हैं करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे, और ये इसकी तलहटी में ये गन्ना लगा हुआ है। और यहाँ जो चूंकि ये तराई है, इसकी कैचमेंट एरिया है शारदा नदी का, पकरिया सरलिया गांव है जिला लखीमपुर खीरी, गन्ना विकास परिषद गुलरिया का। और ये देखिए गन्ना आप जो दूर दूर तक देख रहे हैं, तो यहाँ तक जब बाढ़ आती है तो पानी भर जाता है। दादा ऐसा है क्या? क्या नाम है आपका? तो चेतराम जी बताइए, जहाँ पे हम खड़े हैं सामने नदी है वो जो मैं अभी आपको दिखा रहा था स्क्रीन पे, तो पिछली बार तो यहाँ बाढ़ आ गई थी तो गन्ना इतना अच्छा नहीं था। गन्ना बिल्कुल नहीं रह जा रहा है हाँ। इधर जो है तो ये जो है हिंयल ले पानी अच्छा, चलते यहाँ तक हैं। पानी था जहाँ हम ये पुलिया पे खड़े हैं, तो यहाँ तक पानी था। तो क्या इस रोड पे भी क्रॉस कर गया था क्या? क्रास अगर रोड न होती तो इधर चलती होती है। अच्छा, तो इस बार तो गन्ना अच्छा है, दूर दूर तक बहुत अच्छा गन्ना दिख रहा है। तो इस साल में तो गन्ना बढ़िया है। अच्छा, तो यहाँ कौन सी प्रजाति बुआई के लिए अच्छी रहती है, उत्पादन देती है? हाँ, ये खाले खल्ला है, तो खल्ला में गन्ने की कौन सी प्रजाति अच्छा चलती है? जो जो 14 गन्ना है। 98014, हाँ 98014 वो देख रहे होंगे, बहुत तो अच्छा चलता है यहाँ वो खल्ले में। अच्छा चलते। क्या क्या खास बात है इसकी 98014 की? खास बात यह है कि मतलब पानी में नहीं जाते हैं अच्छा, ना, तो मतलब तपन में ज्यादा खराब है, गर्मी में भी खराब नहीं होता है, और ज्यादा अगर पानी भर जाए तो भी खराब नहीं होता है, तो बच जाते हैं बच थोड़ा जाता। बहुत। अच्छा, पेड़ी वगैरह इसकी कैसी होती है? पेड़ी अच्छी होती, कितनी पेड़ी यहाँ पे हो जाती होंगी? या पेड़ी खड़ी है। ये पेड़ी है, देखिए ये दादा कह रहे हैं चेतराम जी, ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये शारदा नदी का कैचमेंट एरिया है। दूर दूर तक यहाँ 100% यानी 100% इंटेंसिटी गन्ने की ही है। आप देख रहे हैं दूर दूर तक देख रहे हैं ये नजारा, 10 किलोमीटर तक ये पूरा गन्ना ही गन्ना है नजर आएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम जो गन्ना प्रजाति बोई जाती है वो CO 98014 जो अर्ली गन्ना प्रजाति है। देख रहे होंगे आप दूर दूर तक गन्ने का, इसको आप जंगल कह सकते हैं, एक भी प्लाट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे कोई खेत दूसरी फसल के लिए रिक्त रखा गया हो या बोया गया हो। और सामने जो आपको वो पानी दिख रहा है वो शारदा नदी है। और हम लोग जहाँ खड़े हैं, विगत वर्ष में 14 मई को हो यहाँ पे इस पुलिया के बराबर पानी भरा हुआ था। क्यों दादाजी? हाँ जी, पुलिया के बराबर पानी ही जा रहा, पुलिया के बराबर। और गन्ना ये जो इस समय इस बार अच्छा गन्ना है, ये विगत वर्ष में सब खराब हो गया था। क्यों? हाँ, खराब हो जा रहा। हाँ, तो ये बताइए इस गन्ने की यहाँ पेड़ी कितनी कितनी ले लेते हैं लोग? पेड़ी मतलब जो है बुवारी से अच्छी हुई जाती है, अगर कई किसान मिले का हिसाब यहाँ पे पांच पांच पेड़ी भी ले लेते हैं। हाँ, पांच 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 पेड़ी है, क्योंकि ये नदी में जो मिट्टी आती है हाँ, वो थोड़ा जड़ों को ढक लेती है, रवान जो है वो हाँ, रवान बवारी हो जाती है फिर। तो अच्छा, फिर बवारी हो जाता है वो एक हाँ, तरीके से, और फिर गन्ना उससे किले निकल आते हैं। अच्छा हाँ, होते। अच्छा, तो गन्ना तो अच्छा है इस बार। हाँ, तो अभी नदी में कोई बाढ़ वगैरह आई है? पानी तो बढ़ा है थोड़ा, पानी बढ़ा है निकले पिछले साल से कम पानी। अच्छा, और गन्ना भी अच्छा है? गन्ना ठीक है। तो अब अगर बाढ़ आ जाए तो इस गन्ने पे कोई नुकसान होगा या चल जाएगा? अब ऐसा है, ज्यादा खल्लम जो ना है हाँ, उनका हो सकते है ज्यादा बाढ़ ही आ जाए तो नुकसान हो जाए। हाँ हाँ, बाकी जो है तो बड़ी गवाह है तो यो बच गई, अगर जो ज्यादा बाढ़ ना आए। ज्यादा बाढ़ नहीं आएगी, क्योंकि पिछली विगत वर्ष में 1.5 महीना पहले ही, आज के इससे करीब 1.5 महीना पहले ही बाढ़ आ गई थी। तो मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये दूर दूर तक जो आप नजारा देख रहे हैं पिछले साल ये तो पूरा गन्ना ही गन्ना है। और अधिकतर ये 98014 क्योंकि ये निचले क्षेत्र के लिए काफी अच्छी गन्ना प्रजाति है, और चार चार पांच पांच पेड़ी भी यहाँ किसान ले लेते हैं। क्यों हाँ, चेतराम जी? हाँ, ले ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी जानकारी देने के लिए।